वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्या टाइटल पढ़ के तो समझ ही गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीशो ज्वेलरी हॉल, जो कि रिलेटेड है पार्टी वेयर से, वेडिंग से। बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी की मैंने शॉपिंग की है, तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना या फिर लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने मीशो से ये ज्वेलरीज मंगवाई थी, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुंदन वर्क हैं, मोती के वर्क हैं, कुछ नंग वाले वर्क हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी से। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियोस में बताती हूँ, मीशो एक ऐसी ऐप है जहाँ से हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर घर बैठे हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मीशो जो है वो डाउनलोड नहीं किया है, तो मीशो का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मीशो में हमें बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, मैंने मार्केट में भी पता किया था और भी मैंने बहुत सारी साइट्स पर पता किया है, वहाँ पर जो है ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ऑफकोर्स सी बात है, जो हमारी वेडिंग या जो हैवी ज्वेलरीज होती है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बट एज कम्पेयर टू ऑल मीशो में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही प्यारी प्यारी जो है वहाँ पे ज्वेलरी जो है वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो गई, वेडिंग से रिलेटेड हो गई, या फिर हम जो हल्की नेक वगैरह पीस पहनते हैं वो भी बहुत प्यारी प्यारी वहाँ पे ज्वेलरी मिल रही थी। और आई एम अ बिग लवर ऑफ ज्वेलरी, आई होप कि सारी लेडी को ज्वेलरी पहनना आई नो पसंद ही होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरीज मंगवाई थी मीशो से, तो यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ। अगर कुछ भी आपको इसमें से बाय करना है तो इन सभी के प्रोडक्ट के जो कोड हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत से लोगों ने आई थिंक मीशो से अभी तक शॉपिंग नहीं की हुई है, तो मैं जब कोड के बारे में बात करती हूँ, एक्चुअली क्या है, बहुत सारी साइडों पे जो है लिंक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके कोड प्रोवाइड करते हैं, तो वो कोड आप जो हम सर्च में डालते हैं तो वहाँ पे वो कोड डालने होते हैं, तो वो वाला जो चीज़ आपको लेना है वो वहाँ पे शो कर जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कंफ्यूज थे कि कोड कैसे हम लोग वहाँ जाके ओपन करेंगे, तो जस्ट आपको मीशो की एक ऐप है, मैं आपको साइड में वीडियो दिखा दूंगी एक बार आपको कि किस तरीके से आप उसको डाउनलोड करेंगे। जब सर्च में आप कहीं भी किसी भी साइट पे जब किसी चीज़ की कुर्ती सर्च करते हैं तो कुर्तीज आ जाती हैं, कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो आ जाती है, लेकिन मीशो पे ऐसा नहीं है। मीशो पे आपको कोड डालना होता है, बाइली वो बिल्कुल ऐसा ही एज इट इज सेम खुल के आता है, उसमें ज्वेलरी का, वुमेन्स के बहुत सारे ऑप्शन में भी आपको ज्वेलरी का दिख जाएगा। बट पर्टिकुलरली अगर मैं जिस ज्वेलरी के बारे में बात कर रही हूँ, अगर वो ज्वेलरी आपको देखनी है तो उसके लिए आपको कोड डालना होगा। कोड जो है वो सारे मैंने अपनी ज्वेलरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी ज्वेलरी जो है वो पसंद आती है तो आप जाके मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं, हम फटाफट से अपनी ज्वेलरी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो पाउचेस में रिसीव हुई है मुझे, कुछ कर्टन्स टाइप के जो बॉक्सेस होते हैं उसमें, कुछ प्लास्टिक बॉक्स में इस तरीके से ज्वेलरी जो है वो, बट पैकिंग इनकी बहुत प्यारी थी, कुछ भी ऐसा टूटा हुआ या ऐसा निकला हुआ कुछ भी चीज़ नहीं आया। ज्वेलरी की पर्सनली जो जो इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही प्यारी मुझे रिसीव हुई है। और यहाँ पर मैंने कुछ ये लॉन्ग में, जो कि हम जब डीप नेक पहनते हैं उस तरीके के, मैंने इसमें ये वाला जो है ये वर्क मैंने मंगवाया है, ये इस तरीके का है, वाइट एंड ग्रे कलर का इसका कॉम्बिनेशन है इस तरीके से, और इसमें बीच में गोल्डन गोल्डन कलर के पल्सेस जो है वो डाले हुए हैं। साइड में मैं आपको यहाँ पे पहन के दिखा रही हूँ, वैसे अगर इसको डीप जो हमारा नेक होता है ना उसके ऊपर अगर इसे हम पहनेंगे तो बहुत 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 ही प्रिटी लगने वाला है। और ये सारे ही जो प्राइजेस हैं वो 300, 500 के अलग अलग रेंज में है, सभी का रेंज जो है वो अलग अलग है, एक नहीं है। तो ये मेरे को 300 या 350 के बीच में पड़ा था, बहुत ही प्यारा सा इस तरीके से, लास्ट में इसके ये लगा हुआ है, एक ही बीच में ऑप्शन दिया हुआ है इस तरीके से है, ये बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसे कुर्ती के ऊपर डालिए या फिर साड़ी के ऊपर डालिए, लहंगे के ऊपर डालिए, ये पीस जो है वो बहुत ही प्यारा लगना चाहता है। और ये कॉमन सा कलर है ना जो हर चीज़ पर, ब्लैक कलर के ऊपर बहुत ही प्यारा लगता है, तो इस वजह से। तो फर्स्ट पीस जो था वो मेरा ये था, आई होप कि मैं आपको अच्छे से दिखा पा रही होंगी, पहन के मैं साइड में दिखा रही हूँ तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फर्स्ट पीस की अगर हम बात करते हैं तो वो ये एक लॉन्ग नेक पीस था इस
तरीके से। बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत बहुत प्यारा लगेगा ये। आपने देखा होगा आजकल की, आजकल ये बहुत सारी ज्वेलरी जो है वो चल रही हैं। सेकंड जो है वो मैंने एक्चुअली क्या है कि मैंने पर्सनली अपने लिए सारी ज्वेलरीज खरीदी हैं, तो मैंने जो है जो मुझे कलर खरीदने थे, आपको बहुत से कॉमन से कलर लगेंगे जो मुझे एक जो मुझे कलर्स मोस्टली लेने थे, आपको ये लगेगा कि एक ही कलर शायद से मैं 2-3 सेट्स में दिखा रही हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कलर भले ही उनके थोड़े से सेम होंगे बट उसके पैटर्न, उनके डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इस वजह से शायद एक कमेंट आए तो मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया। बबल रैपिंग में है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। और सबसे फेवरेट जो है वो मेरा ये वाला पीस है जो सबसे सेकंड नंबर पे मतलब आ गया है। ये वाला मेरा सबसे फेवरेट पीस है जिसे हम बोलते हैं चोकर, जो आजकल बहुत ज़्यादा यू नो प्रिटी लगने लगा है, बहुत ज़्यादा प्रिटी। अगर हम इनके मोती के बारे में बात करें ना, तो इसके मोती ही अपने में ही इतने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आई थिंक कि मेरा कैमरा फोकस कर पा रहा होगा, लेकिन इनके जो इनके ये मोती है ना, ये अपने में ही देखिए कितने प्यारे शाइन कर रहे हैं। इसका ये वर्क देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये पूरा कुंदन का वर्क हो रखा है और बीच में जो है इसमें ये मोती जो पल्सेस बोलते हैं और ये निकला हुआ है। बहुत ही प्यारा ये पीस मुझको लगा हुआ है। इसी तरीके से जिस तरीके से चोकर में ये बीच में हमें ये डिज़ाइन दिया हुआ है, उसी तरीके से हमको ये वाले इयररिंग्स भी दे रखे हैं। सॉरी, इस तरीके से जिस तरीके से चोकर है बिल्कुल एज इट इज़ ये वाले इयररिंग्स दे रखे हैं, जो कि आजकल राउंड सर्कल में बहुत ही प्यारे। अगर आप नॉर्मली इनको अकेले भी डालना चाहते हैं या फिर चोकर को सिर्फ आप पहनना चाहते हैं तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरीके से छोटा सा एक पर्ल्स है जो नीचे की तरफ लटका हुआ है इस तरीके से। मुझे पर्सनली ये वाला सोपी पीस बहुत प्यारा लगा और ये आई थिंक 500 या 550 रुपीज़ में था। ये बहुत बहुत प्यारा लगा। साइड में मैं पहन के दिखा रही हूँ आपको। और इस तरीके से इसके जो है ये इस तरीके से इसके ये हैं, बहुत ही प्यारे दो। इसमें हमें जो जो हमारे बैग जो लगाने वाले होते हैं ना, उस वो भी हमें ना दो दो रिसीव हो रहे हैं इसमें। तो ये इस तरीके से बहुत ही प्यारा लगा, मुझे पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जो था ये सबसे हाई रेंज में यही वाला था, ये 550 का मुझे पड़ा था ये वाला। बहुत ही प्यारा है। मैं इन सबके कोड जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो डेफिनेटली एक बार आप भी लेके ट्राई ज़रूर करिएगा। ओके, अगर हम अपने थर्ड पीस की बात करते हैं तो थर्ड जो है वो मैंने उसके और इयररिंग्स जो है ना वो ऑलरेडी पहने हुए हैं, तो कलर तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल डार्क मैरून कलर जिसे बोलते हैं ना, जो कि न्यू ब्राइडल जिसकी शादी हुई हो ना तो उसके ऊपर इस तरीके का पहनना भी बहुत पसंद है और वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके का बिल्कुल डार्क कलर, देखो चोकर है ये सारे, बट आप सारे ही चोकर अगर देखेंगे ना तो ये सारे ही चोकर का जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, अपने आप में बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक नज़र आएंगे। तो आप देखो कि इस वाले का जो पैटर्न है वो आप इसका बीच का जो वो देख रहे हो वो बहुत ही राउंड एकदम से सर्कल है और बिल्कुल वो महीन जर्कन में था, ये थोड़ा सा हैवी जर्कन और उसमें है गोल्डन और उसमें जर्कन में जो है, और इसका जो मोती है ना वो राउंड में है इस तरीके से। ये जो इसका मोती है ना ये राउंड में, एक्चुअली मेरी मेहंदी से बिल्कुल मैच सा लग रहा है। तो ये वाला जो है वो बिल्कुल राउंड में है, बहुत ही प्रिटी लगेगा, लाइक मेरी ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहा है। ये वाला जो है ये मेरी ड्रेस से एकदम मैच कर रहा है, बहुत ही प्रिटी सा है। आई होप को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये 300 या 350 की रेंज में था, लेकिन ये भी बहुत ही प्यारा है। मतलब ज्वेलरी की वहाँ पे अगर देखी जाए ना, तो ज्वेलरी की वहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, इतना आप देकर और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इसके साथ के जो इयररिंग्स हैं वो ऑलरेडी मैंने पहने हुए हैं, वो ये हैं, इनको मैच कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो पहन लिया जाए, मेरे अपने खुद के मिल ही नहीं रहते, तो ये वाले मैंने पहने हुए। तो इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये जो है वो 350 का आता था, हाँ 350 की रेंज में था और इससे ज़्यादा नहीं था। ये वाला इस तरीके के बॉक्स में हमें ये रिसीव हुआ था। अगर हम अपने नेक्स्ट ज्वेलरी की बात करते हैं तो ये महीन जिसे मोती बोलते हैं, आई थिंक मैं ज्वेलरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना तो नहीं जानती हूँ, जो एकदम महीन
दानेदार वाला मोती का वर्क होता है, नॉट कुंदन वर्क, इट्स लाइक मोती वर्क। ये मैंने डार्क ग्रीन कलर में मंगवाया है, इस तरीके का। आप देखोगे इसका भी पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, और इसके जो मोती की जो शेप्स हैं वो भी अलग हैं। बट मैंने मोस्टली चोकर ही मंगवाए हैं, बिकॉज मुझे चोकर पर्सनली बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ये कोई भी कुंदन नहीं, यहाँ पे जो एकदम से वो मोती वाले, किस क्या बोलते हैं इसको आई डोंट नो, अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये इस तरीके से जो मोती होते हैं ना, ये पल्सेस, ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ये मोती महीन से बिल्कुल, और इस तरीके से इसमें ये मोती दिया हुआ है वाइट एंड ग्रीन, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। मैं एक बार नेक पे भी रख के दिखाती हूँ, साइड ही साइड आपको दिख भी रहा होगा। तो ये इस तरीके का है चोकर, और ऐसा नहीं है कि हम लोग चोकर जब पहन रहे हैं तो हमें लाइक अनकम्फर्टेबल सा कुछ फील हो रहा है, या हमारे अटक सा रहा है चलने में, या बहुत से होते हैं बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं हमें यहाँ पे। लेकिन ये वाले चोकर जो है वो सारे मैंने पहन के ट्राई करके देखे, बहुत ही प्रिटी और बहुत ही हमें देखने में बहुत ज़्यादा, पता है, हैवी से लग रहे हैं। आपको भी अभी बहुत देखने में हैवी लग रहे होंगे, लेकिन पहनने में उतने ज़्यादा ही लाइट वेटेड है और कम्फर्टेबल है। और क्वालिटी तो मैंने बोला आपको, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी 350-400 की रेंज के बीच में ही था ये वाला। इसके इयररिंग्स जो है वो कुछ डिफरेंट से हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसके इयररिंग्स जो है वो कुछ इस तरीके के हैं, सेम डिज़ाइन है बस थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरीके से। इसके इयररिंग्स जो है वो कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। तो ये हैं इसके इयररिंग्स, और ये है ग्रीन कलर का है, ये डार्क ग्रीन कलर का। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, मैं बता नहीं पा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको ज्वेलरी पसंद आ रही हो तो कोड मैं दे दूंगी इन सभी के, आप वहाँ जाके चेक जरूर करिएगा। और ये वाला इस तरीके के कुछ बॉक्स में है, कुछ जो है पाउचेज में रिसीव हुए हैं। लास्ट जो है ये भी ग्रे कलर का ही है, बट बहुत प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा है। ये अपने आप में डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। आई नो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सेम चोकर चोकर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो बहुत ही अलग है। आप देखो ये है लास्ट पीस इस हॉल का, लेकिन आप लास्ट पीस एक बार देखो और बताओ कि ये है कैसा। बहुत ही प्रिटी है, अपने आप में बहुत ज़्यादा खिल रहा है, राउंड सा है। इसमें इस तरीके से 3 स्टेप दे रखे हैं, जो कि किसी में अभी तक जो चोकर था उसमें नहीं दे रखे थे। इस तरीके से 3 लाइनिंग जो आप देख रहे हो ना, ये इसमें भी नंग का वर्क हो रखा है। ये पूरा जड़कन पूरा इस तरीके से नीचे है। नेक पे लगा के एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही ब्रिटिश है। पहली बात तो सच में ब्लैक कलर के ऊपर, रेड कलर के ऊपर, ये ऐसा कलर है ना, बहुत ही प्यारा फील कराता है। और इस तरीके से इसके जो इयररिंग्स हैं, लाइक इयररिंग्स जो होते हैं ना, हमारा जो बीच वाला पैटर्न होता है चोकर का, बिल्कुल एज इट इज वैसे के वैसे ही होते हैं। तो ये है इसके इयररिंग्स, बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही प्रिटी है। और ये भी हमें 350 की रेंज के बीच में ही मिला था। और इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा डोरीज दे रखी कि आपको कितना टाइट करना है, कितना लूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था मेरा इस हॉल का लास्ट पीस। आई होप कि आपको मेरी ये सारी ही ज्वेलरी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया होगा, और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बस यही था आज का मेरा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरीके से और भी वीडियोज़, तो मेरी वीडियो पे बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, एंड मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट एक प्यारी सी वीडियो के साथ, हॉल के साथ। तब तक के लिए चल